तारीख है 24 फरवरी 2023, समय हो गया 08:23 PM। मैं एक बात बताता हूँ, ज़रा सुन। अबे संजय चंदर है, IPS रैंक बता रहा है अपना, DG RPF। हो ना हो छोड़, कोई बात नहीं। पिप्पे से आया हो, बाटे से आया, मैं वो भी नहीं पूछ रहा। वर्दी कितनी बड़ी पहन रहा है, ताकल नाम की चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल का पोस्ट कोई मामूली पोस्ट है। अमजद सोएब जैन साहब का कोड है। मैंने सुन लिया, और आना सनाउल्ला खा के अब शहबाज शरीफ भी तो कह रहा बड़ी बेइज्जती करी जारा ने। और क्या करेगा आदमी यार, और क्या करे बता, जारा को बोलना ही पड़ेगा। मैं यहां से बोल रहा हूं तो बोलेगी ना, तो क्यों दिमाग लगा रहे हो यार भाई। पैसा मेरा है, सौदे मैंने किए, तो कौन हो यार तुम, अपना काम करो ना जा करके यार। जबरदस्ती अपने आप को पहलवान समझ रहे हो। शहबाज शरीफ को बहुत पहले बोल दिया भाई, रिजाइन होकर के दफा हो यार। अब फिर दिमाग लगा रहा है यार, वो फालतू की बात मत करना भाई। अगर मेरी टीम में काम कर रहा तो सीधी बात है, नहीं पता ज़ारा सऊदी में क्या खेल हुआ। मैं बताता हूँ, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का मामला था। अब डोनाल्ड ट्रंप के मामले में कुछ बात अटकी, मैंने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन खरीद ली, इवन का ट्रंप साथ काम कर ही रही थी। भाई हमारी टीम काम कर रही है अपना, तो यार हम अपने तरीके से काम करेंगे ना। क्यों भाई, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी तो अपनी ताकत लगा दी, बाइडन साहब ने अपनी ताकत लगा दी, किंग सलमान ने अपनी ताकत लगा दी, रोक पाए मुझे भाई। अभी ज़ारा की बात नहीं हो रही है, भाई ज़ारा पे पैसा है या नहीं हम तो बात ही नहीं कर रहे। रियाम की बात नहीं हो रही, पैसा है या नहीं हम तो बात ही नहीं कर रहे। इवन का ट्रंप की बात नहीं कर रहे हम, तो पैसा मेरा है। तो कौन हो भाई तुम, क्यों इस उम्र में बेइज्जती करा रहे हो यार अपनी। तो कोई कारण तो होगा। इवन का ट्रंप को फॉरवर्ड करो जरा, जो भी रेट है। भाई साहब 28 लाख करोड़ टोयोटा 4x4 बुलेट प्रूफ आराम से ISIS ने रखी हुई है, पेमेंट हुई नहीं है। टोयोटा कंपनी मैंने खरीदी, हो गया सौदा। इनवॉइस चेक कर रहे हैं, इनवॉइस जा रखा है, पेमेंट नहीं आई है। ऊपर मुझे पता है कैसे टोयोटा का ध्यान आया, आपका कॉन्वॉय देखा मैंने, उसमें जो आप जा रहे थे उसमें ब्लैक कलर की टोयोटा में, मगर टोयोटा। और फिर उसका जो है गाड़ी के जो है क्या कहते हैं उसका GPS रिकॉर्डिंग होती है ना, वो पढ़ी हमने। मगर इसकी GPS रिकॉर्डिंग खोल जरा, तो तब उसने बताया कि GPS रिकॉर्डिंग में मैं देखा, चेक करा, तो जिस जगह मैं बैठा हूँ यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर एग्जैक्ट। अट्ठाईस लाख करोड़ टोयोटा, 6 लाख करोड़ भैंसे, 80,000 करोड़ लासों मिसाइल आराम से रखी हुई ISIS ने। ये है मैश। मतलब शुक्ला सिन्हा जैसे बड़े नाम IPS रैंक के पागल हुए फिर रहे। खुद मोदी जैसा बंदा अब मेरी नज़र में इतना गिर चुका है ना, ये और इसकी टीम, मुझे इसकी शक्ल भी पसंद नहीं है। कहाँ 2014 में बंदा क्या चमक के आया, यार तेरी ऐसी की तैसी निकला वही झोला छाप भिखारी। मैं बंद कर यार, रेलवे बाद में देखेंगे। भागलपुर रेलवे स्टेशन, यार रेलवे हम कर रहे हैं, हमने किसी को मना थोड़ी किया ना। मैं नहीं ना, GRP और RPF घर जाओ भैया, जो ऑर्डर होगा हो गए, मैं अपने ऑर्डर वापस नहीं लेता। मैं एक बार मेरे पास मामला आ गया तो गए काम से, मैं नहीं सुनता जी। मेरे पास मामला आ गया, मैं बिना देर करे दुगनी सैलरी कर देता हूँ, काम अगर ढंग का किया तो। यही तो फायदा है, और नहीं तो सीधा भैया घर जा अपने। मैं भाई संजय चंद्र की बात के बाद मैं RPF और GRP को मौका देने वाला ही नहीं हूँ, घर जाओ।
ना, सवाल ही नहीं उठता। जिस कल्चर को तुम लेके आ रहे हो वो कल्चर तुम अपने साथ लेके जाओ, हमें पसंद नहीं है। एक सौ तीस करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या है भारत की, मेरे को एम्प्लॉयज और स्टाफ की कमी नहीं है, एमट्रैक को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, हम दोबारा कर लेंगे सब। ऐसे पागल महापागल यूपीएससी पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के निकले हुए बंदे, पता मैंने ऐसे चूतिया बंदे नहीं देखे। मतलब कहने का, शक्तिकांत दास जैसा और रघुराम राजन जैसा आदमी, महा अनपढ़ गवार निकल गए। यार अगर मैं तुम्हारे सिचुएशन में होता और सौदे की बात होती, मैं तो साइन करता भाई, ये पकड़ भैया, ठीक है ये कर दिया साइन, इतना लाभ हमारे पैसे, हम तो चले भाई, बात खत्म, बात खत्म। हम इतना दिमाग नहीं लगाते, कौन अपनी पढ़ाई लिखाई यार बर्बाद करेगा। खाम खा जो है कुछ एक ऑफिसरों ने पूरा सत्यानाश कर रखा, ऐसे चला रहे थे ये भारत है। ईरान का सत्यानाश करके बैठने वाले लोग जो पूरे विश्व में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए भीख मांगता फिरता है, भारत में आकर के अपने आप को बहुत, भारत और पाकिस्तान में अपने आप को बहुत बड़े आकर के एडमिन ऑफिसर कह रहे हैं। ईरान जो है पूरे विश्व में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए भीख मांगता फिरता है। बात करो जरा रईसी से, तो क्यों रईसी साहब भीख मांगते हो आप टेक्नोलॉजी के लिए, और आपके देश के लोग और ये जूता एजेंसी, और आगे कह रहे पाकिस्तान चलाएंगे। जारा मैंने इतनी बार तुझे कह दिया, मैं कहा चल कहीं घूमने चलते हैं, पर तेरे भी कान पे जू नहीं रेंग रही, इन पागलों से पीछा छुड़वा दे। मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कहा जारा बचा ले, तो तेरे समझ नहीं आ रही है, तो कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। मतलब पाकिस्तान चलाने पहुंच गए अमजद सोहेब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल। अरे जनाब ई श्रीधरन को भी कह रहा हूं, भारत में आके मेट्रो मैन बन रहा है, तू ईरान में ही चला जाना, उन बेचारों को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए। रॉकेट बनाने के लिए ये ईरान के जासूस बने फिर रहे हैं। इमरान खान ईरान से वर्ल्ड कप ला रहा था, वहीं के लिए ले आता ईरान के लिए, पाकिस्तान में आकर के क्रिकेट खेल रहा है भाई। इतना बड़ा प्रधानमंत्री बन रहा है शहबाज शरीफ, ईरान ही संभाल लेता रईसी के साथ, नाम का रईसी है, हद हो गई यार। तो वहां ईरान में क्या जमीन की कमी है, क्या बात हो गई यार, जब वहां की लुगाइयों के छेद बंद हो गए बहन के लिंडो, ऐसे बात करनी पड़ रही इन वहां के लोगों से। ये भोसड़े का कुत्ते का बच्चा यहां आकर के बन रहा, वहां बहन के लोड़े को भीख मांगने की नौ बता रखी ईरान की, मां चोद के रख दी अमेरिका ने ईरान की, बहन के लोड़े जाके बचा लेना रईसी को, सब रजाक बने घूम रहे हैं। सब रजाक बने घूम रहे हैं। हद हो गई यार, मतलब कोई लिमिट नहीं है इनके, इनके चूत, इनकी चूतियापंती की।
वो बैंड के लोड़े भोसड़ी वाले ई श्रीधरन, तेरी माँ की चूत, तू ही सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। तो माँ चुदाना बहन के लोड़ा ईरान में जाके, बहन के लोड़ा चूतिए के बच्चे, ताकि तुम्हारे देश के खुमेनी पुमेनी लुमेनी चुमेनी को बहन के लोड़े मिसाइल के लिए भीख ना मांगनी पड़े। कासिम सोलोई बहुत बड़ा मिलिट्री जनरल है। कितना बड़ा मिलिट्री जनरल है? मिसाइल के लिए भीख मांग रहा पाकिस्तान से, 6 मिसाइल दे दी, वो क्या करेगा बे इसका? अमेरिका से बदला लेगा? अच्छा भाई, तू तू दिमागदार नहीं है तो कोई नहीं है। मतलब 6 मिसाइल पाकिस्तान से ले करके अमेरिका पे दागेगा? वाह भाई। अच्छा नहीं, खोल के चेक करेगा कैसे बनी है? खोल के चेक करेगा कैसे बनी है? वाह भाई वाह। वो तुम बहन के लड़ो, वाकई तुम ना अनोखी नस्ल हो धरती पे। तुम बहन के लंडो अपना बाप की पैदाइश हो, अपनी मामू की पैदाइश हो हैं? और ऐसी ये बहन के लंड समझ नहीं आ रही तेरे बंदों के। इस सेवा शरीफ को बोला, माँ के लड़ो कुछ कुछ तो शर्म कर ले, चूतिए कुछ तो शर्म कर ले। इतनी इतने बदक कौन है भाई तू? कि मतलब क्या बात क्या हुई मेरे को ये बता जरा, कौन हो यार तुम लोग? यहीं आकर सब सारे पुलिस ऑफिसर बनोगे? निवान ही है कुछ है? अच्छा ये यही है सारी सारी पोस्ट, और कहीं नहीं है? मेरे पास जो है ना इन चूतियों की, चूतियापंती का ना कोई कोई इलाज नहीं है। तेज बहन की लोड़ी के, ना ना ये हीरा बेन के, हीरा बेन मरमरा गई, निकल गड्ढे में होगी वो भी। तो क्या चूतिया पैदा कराए तूने हैं? ये बहन के लड़े तेरा समझ नहीं आ रही है? ओए मोदी, ये बहन के लड़े की फोटो सर्वर पे इस बात होगी अब तो। इससे मतलब एनएसजी में इतनी बड़ी ट्रेनिंग लेने के बाद भी ये बहन के लोड़े रहे वही के वही। खत हो गई यार। खत हो गई। मतलब इतने बड़े मिलिट्री ऑफिसर हो के भी क्या कहूँ यार मैं इन लोगों को। सीधी इंस्टॉलेशन लेके बैठी हुई वो रेलवे में, कह रहे शादी करनी है। मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं अब जारा से नहीं, अब किसी दिन प्रीति से कह दूंगा, जारा से भी ये मामला नहीं सुलटेगा, अब प्रीति से ही बात करनी पड़ेगी। इन बहन की लोड़ियों का इलाज नहीं है तेरे पास? नहीं तेरे बारे में तो जारा बता दूंगा उसे, और जोया के बारे में। बाकी मैं पूछना चाह रहा हूं, अभिसार शर्मा के, शर्मा अभिसार शर्मा के शो में वो एक एक बुड्ढा एक और एक, हाँ एक लुगाई है, कह रही हम दोनों एम ट्रैक। माँ की चूत बहन के लंडों की। ये बहन के लिए फेसबुक के गरीब है, गरीब है क्या? लगता है फेसबुक पर देनी पड़ेगी क्या वीडियो?
अच्छा फेसबुक पर दे देंगे वीडियो। क्या इलाज क्या है इन बहन करंट चूतियों का यार, वीडियो ही तो दे सकता हूँ सारा, क्या बोलूँ, वायरलेस हो गया, डिपार्टमेंट को बोल दिया सब कुछ। मेरी टीम कह रही है इनसे कि भाई अगर हितेश भाई को ही आके बोलना पड़ेगा तो पहन के लोड़ा हम किस लिए बैठे हैं फिर, बोल रही तेरे को समझ नहीं आ रही है। तुम्हारे बस की नहीं है भाई, तो नहीं है तो बहन के लौड़ा, तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारा प्रधानमंत्री भगभग आ गया वहां के चूत भोसड़ी वाला, बहन का लौड़ा गुजरात का व्यापारी बन के आया। मैं तो यार सुबह गुजरात, मैंने कहा यार खरीद रहा है तो खरीद ले कोई, कुत्ते पालेंगे अभी सुअर पाल रखे हैं। जरा एक बात, मेरी मेरी ब्यूटीफुल टीथ, नहीं बात तो हो गई मेरी, नहीं बात तो वाली हो गई तुम्हारी, मुकेश को और ऐसे ना कालू, मुकेश कालू वहां की वैसे मैंने ना बारात में बुला रहा भाई मैं, ना 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 ना, ना। नहीं बता दूंगा भाई इस दिन शादी है, और साथ में कह दूं भाई आइयो मत, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे ना। मतलब ज़ारा ये एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा, व्हाट्स रॉन्ग, तमीज नाम की चीज नहीं है भाई, कोई भी कह सकता था इतने भाई जरा थोड़ा सा साइड आओ, हाँ भाई बताइयो यार फटाफट दो चार पैक, अब बोतल मिलती है क्वार्टर भी आते हैं यार, एक क्वार्टर देता है इधर जेब में रख लेता आराम से, क्या बात कर दी। वो अपने आप कर लेना उधर साइड में ना, दो टेंट वेंट लगा के उधर कर लो, कुछ और सोचेंगे, ज़ारा फिट है एकदम, दारू वारू पीती है, ना 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 कुछ और सोचना पड़ेगा। प्लानिंग कर ले अब, मतलब तेरी ट्रेन में भी इंजन पीछे ही लगेगा क्या? ये तूने गाली कैसे दिया? अरे मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा अरे वो कह रही थी यार फेरे के फेरे में, कह रही है तमीज नहीं है इसको, मेरे से कह रही शादी, प्रीति के किस्सा बता रहा हूं मैं तुझे, शादी शादी वादी हो गई, बाद में पता है क्या करी, कह रही आपको तमीज नाम की चीज नहीं है, मैं क्यों क्या हो गया, कह रही फेरे ले रहे थे तू तो इतना चिपक के क्यों ले रहे थे, मैंने जी पागल की औलाद है ये, मैं कहा फेरे लेते हुए मैं तेरे और मेरे बीच में अच्छा खासा जो है एक फुट का गैप था, हाँ जी पागल हो रहा था यार ये, वो ही मैं तुझे भी कह रहा हूं, मगर तेरे और गाली वाली थोड़ी थी, मैं तो यही कह रहा था, मैं कहा तेरे भी इंजन लगता पीछे ही लगाना पड़ेगा, और क्या बोलूं,
बहन के, तो बहन के लोड़ा ने दुखी कर रखा है इनकी माँ के, जो जीआरपी और इसने, ये पागल हो गया तुम लोग, किसके ऑर्डर ले रहे हो, घर जाओ यार, अब पूरी फोर्स नहीं बना लेंगे। यू वॉन्ट टू बाय SIS? SIS खरीदनी है तो खरीद ले SIS, मेरी फोर्स है ले ले। SIS मेरी है, साउथ इंटेलिजेंस सर्विस है, कोई वजह नहीं, दूसरा काम करेंगे वो लोग। नहीं वैसे नहीं कह रहा हूँ, नाराज नहीं उनसे, कुछ और काम दिया हुआ उनको है। बंदे डेडली पर कांडी बंदे हैं, SIS ग्रुप 4। मैं ग्रुप 4 मेरे SIS में नहीं हूँ, मैं ग्रुप 4 में हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब जा रहा जिस ट्रेन में चला करे ना, उसमें इंजन जो है ना पीछे की तरफ लगाया करो। जोया क्या कहती, अगर जारा और जोया एक साथ चल रहे हो तो डबल इंजन लगा दिया करो पीछे। नहीं नहीं इंजन और इंजन और जनरेटर एक साथ, नहीं नहीं डबल ट्रेन लगा दो, इंजन एक ही चलेगा। अच्छा ठीक है, मतलब गलत ना चला जाए। मैंने कंध मचाया, इनकी 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 इंसल्ट करने में मजा आ रहा है, कुछ नहीं है सारा, पैसे की परवाह नहीं है, सौदों की परवाह नहीं है। वाचा नहीं हुआ बहन के लौड़ों की ना, इस भोसड़ी वाले की बेइज्जती करने में जो मजा आ रहा है ना, इससे इससे आ रहा मजा तो मुझे दारू पीने में भी नहीं आएगा। तेरे से शादी करने में जा रहा इतना मजा आए ना है, मुकेश को शादी में ना बुलाने में जो मजा आने वाला है ना, ये नहीं जाने वाला। इनको नहीं बुलाना जा रहा, जब कुछ हो जाए। यार हद हो गई, अबे यार कई कई बोतल पी गए, इतना खून खोल रहा था मेरा। मैंने कहा तू रुक ना ना, मैं गया मैंने कहा रुक जरा, असली वाले को आना पड़ेगा सामने। बाहर आकर के मैंने आते ही पंडित को जल्दी पढ़ना पोछड़े दापड़ पड़ने वाला तेरे। वही वाला हूं मैं। वो तो पिप्पा चैलेंज है, वो तो आराम से बैठा है, तो मैं कहा तू रुक मेरी बारी। तो सही सही कह रहा हूं। अरे 3 लाख करोड़ किस बात के हैं भाई, शादी की पार्टी वार्टी खुद कर लियो। करण को दिया और बेटा ब्याह में आया और क्या बात है, अब भी नहीं समझा। सिग्निफिकेंस में कर लेना। जारा देख मेरी बात सुन, मैं वो हूं जो ये कभी नहीं बन सकते, इस डायलॉग पर मैं आज भी अड़ा हूं, ठीक है ना। नाउ द सब्जेक्ट इज गोइंग टू टैकल, नो नो यू यू हाँ, तो SIS कॉल कर ले, क्या हो गया, SIS वाले कर देंगे। SIS को दे दो भाई सिक्योरिटी, जारा की, जारा और जोया की, हाँ SIS वाले ले लेंगे, प्राइवेट, बहुत बढ़िया सिक्योरिटी है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त है मेरी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जबरदस्त है। SIS ग्रुप 4 मेरी सिक्योरिटी ग्रुप 4 के पास है, हाँ ग्रुप 4 लगा दूंगा, और ऑल ओवर इंडिया में ग्रुप 4, हाँ रेलवे भी ग्रुप 4 दे देंगे, और क्या अमेरिकन।
देख उम्र में जारा, इस उम्र में जारा वो गाली वाली है और क्या, इस सारा इन पर गोली कौन खर्च करेगा, बूढ़े तो हो गए। मैं लगाता दिमाग इतना छोड़ना, एक बार कह दिया बात खत्म। मोदी का मामले पता नहीं कहां मरमरा गया होगा, मेरी एयरफोर्स छोड़ती थोड़ी है, मेरी एयरफोर्स ने ऑर्डर ले लिया तो कर दिया काम। नहीं नहीं अब तो अच्छा, भाई पैसा लगा पड़ा, पर डे का भयंकर नुकसान है भाई। मैंने इनको बोला कि उस दिन जो है मेरे का पैलेस ऑन व्हील भेज दे बच्चों के लिए, उसी में आ जाया करेंगे, इन्हें समझ नहीं आ रही। अरे झकमराने के मैंने इतना पैसा लगाया हुआ है भाई, कौन हो तुम, कौन हो भाई, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। अरे यार तीन रैक है उसके, तीन या चार रैक है, मेरे एक लगा दे उधर, वो आएंगे जाएंगे अपना उसी में आ जाया करेंगे, क्या दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत क्या हो गई, कौन भोसड़ी वाले नेता वेतन की मां की चूत बहन के लंडों की। ये स्मोकिंग की वजह से है, पूरे दिन एक घंटे में डेढ़ घंटे में एक बीड़ी पीते हैं। देखी दिखाऊं फिल्टर वाली है, नहीं नहीं वैसे नहीं यार, एल्बर्ट को बोलो तेसरे ब्लैक आर्मी को, कहाँ खड़े भाई पैलेस ऑन व्हील के रैक कहाँ खड़े हैं, घुमा दे उधर चल। यार मैं कितनी बार समझाऊं, पहले उधर और एक वहां भेज, जारा के लिए भेज पैलेस ऑन व्हील, जारा और जोया के लिए भेज पैलेस ऑन व्हील पाकिस्तान में चल, एक इनके लिए खड़ी रहेगी इनके वहां पे, ठीक है। डक्कन क्वीन चाहिए, डक्कन क्वीन ट्रेन है बहुत मस्त है, उसी उसी पर जिद पे सौदा हुआ है ना, मेरे को क्या पड़ी थी, ठीक कोई बात। तेरे को चाहिए इनका ड्रम रैक चाहिए, एक डक्कन क्वीन नाम चेंज कर लियो, डक्कन क्वीन ले जा, गिफ्ट है मेरी तरफ से, और क्या, और बना लेंगे हम तो, बना दियो यार 10 रैक और बना दियो, ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरी फ्रेंड्स हैं यार, उनको गिफ्ट करूंगा, बहुत बहुत उम्दा चीज बनाई है यार, जैसी भी बनाई है तारीफ कर दी। इससे बढ़िया बहन कुछ बनाई नहीं पा, क्या करूं। इवन का टर्म कैरी मैगले शट अप, फोकस ऑन योर स्पीड, 20,000 किलोमीटर पर आवर, यहां तो 90 जा रही है मैडम, 9001 मैडम स्पीड है ये ट्रेनों की, ISO में जितनी भी है। नाइन थाउजेंड वन से शुरू हुआ था, अब 90,001 किलोमीटर पर आवर है। हाँ यही बनाओ बस, सारी पूरी इंडिया की रेल चेंज कर देंगे, इसी में बना देंगे क्लास वन पे, बनाता जा धका धक। अच्छा बात कर ले, नहीं नहीं सिर्फ आप दोनों के लिए पैलेस ऑन व्हील, नहीं नहीं पैलेस ऑन व्हील देखी है, गूगल कर,
गिफ्ट है मेरी तरफ से। यार रेलवे स्टेशन नज़दीक कहाँ है? मैंने वही तो बोला था, मैंने कहा बना ले यार एक यहाँ पे नज़दीक। परसों बात हुई थी, कह रहे कि सर उसी पे काम चल रहा है। मैंने अजीब आदमी है यार, 2 साल में यहाँ से यहाँ तक लाइन नहीं बिछी यार, उधर से घुमा के ले यार, इतना जंगल एरिया है, ये रहा पूरा खाली एरिया। कान में तेल डाल के सोया हुआ, पता नहीं कौन है, भगा दे सबको। रेलवे बोर्ड खत्म करो, ये रेलवे बोर्ड खत्म है भैया, घर जाओ, नहीं चाहिए ऐसा बोर्ड वोर्ड, चलो घर जाओ। रेलवे बोर्ड वाले ही अपनी माच दुआ रहे थे, खत्म करो रेलवे बोर्ड। चलो घर जाओ, पैसे पेमेंट कर दो भाई इनकी, रेलवे बोर्ड वालों की, वैसे तो बनती नहीं है। जाओ घर जाओ, नहीं नहीं सैलरी कहाँ होती रेलवे बोर्ड पे? हाँ सारे जजिस पजिस सब उसी में रेलवे बोर्ड में घुसे हुए हैं। चलो घर जाओ, रख दो सामान भैया, ऑफिस से मिला था पेन वहीं रख दे, ठीक है भैया जाओ। ये ले भाई आरपीएफ जी, आरपीएफ लास्ट सैल्यूट है भैया, आप लोग जा सकते हैं। कह रहे टोपी क्यों नहीं लगा रही, बाल नहीं दिख रहे सर पे क्या? टोपी गंजों के लिए होती है, मालूम है बात? जी हाँ, ठीक है भैया, रेलवे बोर्ड लास्ट सैल्यूट है सर, जा सकते हैं आप। इसी दौरान लास्ट सैल्यूट है, आप जा सकते हैं सर। डीएमआरसी ऑल ऑफिसर्स सीनियर इन सिक्योरिटी, फॉर बोथ ऑफ यू ओनली। नहीं ज्यादा स्टाफ रखना नहीं है उसमें बस। ओ ये चाचा मामा ताऊ जरा उधर दूर रखियो जरा। इस ट्रेन के चक्कर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एमट्रैक वालों तक ने कहा था। नहीं एक्चुअली इट्स ए लुक्स इट इट्स इंटरनल इंटीरियर लुक इज इंडियन हेरिटेज और कुछ नहीं है, ओल्ड टाइम है। मैगलेव का अलग चीज है, हेरिटेज ट्रेन है ये। अभी पूछे यूएस पता क्या कहेगा, मैगलेव रहने दे यार तू, पैलेस ऑन व्हील दे। अभी देखिए वेंकट रम क्या कहेगी, मैगलेव बाद में तू पैलेस ऑन व्हील दे। चलता फिरता महल है, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स मेंटेन करते हैं। नहीं डेक्कन क्वीन भी बहुत सुंदर ट्रेन है, डेक्कन क्वीन देख ले। बिल्कुल है, अरे नहीं देनी यार, अपने अपने रखनी है, बाकी सब इसमें घूमो भारत। विक्रमशिला एक्सप्रेस बनाऊंगा एक को तो। चल ठीक है, देख देख के ना फिर बात करते हैं।